हेलो टीम एमबीए, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स। तो दोस्तों, अगर आप ये तीन एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हो या फिर जिम जाकर नहीं करते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है हैवी लिफ्ट करने का। जैसे कि आपने सुना होगा, अक्सर जिम्स में कोच अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप 200 स्क्वाट्स लगाओ, 150 पुशअप्स लगाओ। वो क्यों बोलते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी बेस कैसे बनानी है, और ये वीडियो खासकर बिगनर्स के लिए होंगी जिनको अभी थोड़े टाइम हुआ है जिम जाते हुए, और ये इंटरमीडिएट्स भी देख सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम लगाएंगे बॉडी वेटेड स्क्वाट्स। जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करोगे, वर्कआउट से पहले आपको 100 रेप्स लगाने हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स के, और इसमें आप कितने भी सेट लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम आप एक सेट में 15 रेप्स से ऊपर ही रखना। और जैसे ही आप अपने लेग्स का वर्कआउट फिनिश कर लो, उसके बाद आपको 80 रेप्स लगाने। तो ये आपको हर बारी जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करोगे, आपको ये बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाने हैं। ये क्यों लगाने हैं? क्योंकि जब भी आप बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाते हो, आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब भी आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप बिल्कुल अच्छे से अपने स्क्वाट्स को परफॉर्म कर सकते हो, और इससे आपकी जो मोबिलिटी है वो भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। अब सेकेंड एक्सरसाइज हमें लगानी है पुलअप्स, जिससे मैक्सिमम बिगनर्स डरते हैं। उनको लगता है कि हमसे एक रैप भी नहीं लगता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है। तो हम सिंपली वो क्या करते हैं, आएंगे, वार्म अप करेंगे और सिंपली बैक का वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको पुलअप्स लगाना है। जब भी आप बैक का वर्कआउट करोगे, आपको पुलअप्स के 3 सेट लगाने हैं, जिसमें आप रैप्स अपनी मर्जी से लगा सकते हो, रैप्स टू फेलियर तक 3 सेट लगाने बस, और वर्कआउट के बाद में पुलअप्स आपको दोबारा नहीं लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप पुशअप्स नहीं लगा पा रहे हो, स्क्वाट्स नहीं लगा पा रहे हो, पुलअप्स नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है हैवी वेट ट्रेनिंग का। इसलिए सबसे पहले आपका कंट्रोल होना चाहिए अपने बॉडी वेट पे। अगर आप अपना बॉडी वेट लिफ्ट कर पाओ, उसके बाद ही आप वेट ट्रेनिंग में जाना। तो पुलअप्स काफी अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे ही आप पुलअप्स लगाओगे, ये कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, जिससे आपकी पूरी जो बॉडी है, बैक, आर्म्स, सारी पंप हो जाएगी। और अब थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करोगे, आपको उससे पहले 50 रेप्स पुशअप्स की लगानी है, और जब वर्कआउट आपका कंप्लीट हो जाएगा चेस्ट का, तो उसके बाद आपको 30 रेप्स लगाने हैं पुशअप्स के। ये आपको हर बारी जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करोगे, आपको पुशअप्स स्टार्टिंग में और एंड में लगाने। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको हर एक एक्सरसाइज के ज्यादा रैप्स बता रहा हूँ, और वर्कआउट के बाद में कम बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वर्कआउट के बाद आपके जो मसल हैं वो एग्जॉस्ट हो गए होते हैं, इसलिए मैंने थोड़े रैप्स उसमें कम रखे हैं। लेकिन जितने मैंने बताए हैं उतने आपको करने ही करने हैं, क्योंकि इसी से आपकी बेस बनेगी, और अगर आपकी बेस बन जाएगी तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से बिल्ट भी होगी और स्ट्रांग भी होगी। अब आप क्या चाहते हो कि आपको अपनी सिंपल बॉडी बनानी है जो दिखने में सिर्फ अच्छी हो, या फिर वैसी बॉडी बनानी है जो दिखने में भी अच्छी हो और अंदर से भी स्ट्रांग हो? तो इसलिए इन 3 एक्सरसाइज को आपको जरूर लगाना है जब भी वर्कआउट आप करोगे, बैक का, चेस्ट का या फिर लेग्स का। तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइज को जरूर इन्वॉल्व करो, पहले भी और बाद में भी। तो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता था कि जब आप स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करते हो, तो आप देखते हो कि जो बंदे पहले से जिम कर रहे होते हैं वो वेट उठा रहे हैं ज्यादा, तो आप सोचते हो कि हम जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचे और हम भी वेट उठाना स्टार्ट करते हैं। और आप सोचते हो कि हमने जिम की फीस दी हुई है, तो यार अब जिम में जाके हम बॉडी वेट एक्सरसाइज थोड़ी करेंगे, तो हम घर पे भी कर सकते थे, तो हम जिम में जाकर सिंपली वेट ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी को नहीं देखना, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है कि उसको कितने साल से वो वर्कआउट कर रहा है, कितना उसको एक्सपीरियंस है। आप अभी बिगनर हो, अभी आपने जिम स्टार्ट की है, आपको सबसे पहले अपनी बेस बनानी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर तक जाना। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।